फ्लाईओवर दे मूरे लगे वड्डे वड्डे पत्थर, उपर लगे बैरियर, साइडा ते खड़े वड्डे वड्डे ट्रक। तस्वीरां ने उस फ्लाईओवर दियां जिस तो कई शहरां नू राह जांदा है, ते हुण इस फ्लाईओवर नू बंद कर दिता गया है, जिस करके राहगीरां नू काफी परेशानी दा सामना करना पै सकता है। जी हाँ, दस दिए कि राजपुरा तो पटियाला जान वाला ये मेन राह है जिन्हों बंद कर दिता गया है। फ्लाईओवर राजपुरा दा है, राजपुरा रेलवे फ्लाईओवर नू बंद किया गया है क्योंकि इसकी मुरम्मत चल रही है, तो ये कोई एक दो दिन नहीं बल्कि 2 महीने तक इसी तरह बंद रहेगा। 2 महीने लिए इस पुल की आवाजाही ठप कर दिया गया है। सो इस पुल के उत्तों ना तो कोई वाहन लंघेगा तो ना ही कोई गुजरेगा क्योंकि इस पुल के विच गैप पै गए सन, जिस करके मुरम्मत लिए काफ़ी समय तो शहर वासियों वालों मांग की जा रही थी, तो हुण इत्थे मुरम्मत का काम शुरू हो गया है, जिस करके 2 महीने तक राजपुरा का रेलवे फ्लाईओवर नहीं चलेगा, आवाजाही ठप रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के वालों रूट बदले गए ने, हुण जिन्होंने राजपुरा तो पटियाला जाना है या बठिंडा संगरूर नू जाना है तो उन्होंने बदले रूट के राही जाना पड़ेगा। हालांकि इतने ट्रैफिक पुलिस के वालों ट्रैफिक इंचार्ज गुरबचन सिंह का नंबर भी जारी किया गया है कि जेकर किसी ने कोई दिक्कत होंगी है तो वह कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, गलबात कर सकते हैं। बठिंडा संगरूर जान वाले भी बाईपास तो होके जाएंगे, तो जिन्हें पटियाला होके जाना वह भी बाईपास के रस्ते ही जाएगा। हालांकि अंडर ब्रिज जिहड़ा रस्ता है वह जरूर चल रहा है, पर पुल के उत्तों की आवाजाही बंद कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के वालों ये भरोसा दवाया गया है कि राहगीरां नूं किसी तरह की कोई भी मुश्किल नहीं होएगी। सो इत्थे अंडर ब्रिज वड्डी गल है कि जदों बरसातां दा मौसम है अगले 2 महीने दे विच, तां इस दौरान अंडर ब्रिज पानी ना भरे या किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इस गल दा भी ट्रैफिक पुलिस के वालों ध्यान रखा गया है। दस दिए कि राजपुरा के गगन चौंक से भी बैरीकेड लगा के रस्ता रोक दिता गया है तां जो कोई भी फ्लाईओवर वाल ना जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ 93 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਦਲੇ ਰੂਟ ਦੇ ਥਾਣੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।